Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, welcome my dear students. I hope you will be fine. Class 8 maths ke andar hum comparing quantities mein exercise 8.3 hum kar rahe hain. Aaj hum iska last question number 12 karenge, exercise 8.3. Question kya hai? A scooter was bought at ₹42,000. स्कूटर खरीदा गया है 42,000 के अंदर. इट इज वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. इसका वैल्यू जो है ये कम हो गया है, इसका वैल्यू कम हो गया 8% जब यूज करने के बाद जो वैल्यू गाड़ी का कम हो जाता है उसको बोलते हैं डिप्रिशिएटेड. 8% कम हो गया. फाइंड इट इज वैल्यू आफ्टर वन ईयर. मुझे बताइए आप एक साल के बाद इसका कीमत क्या रहेगा. या जब वैल्यू 8% के हिसाब से एक साल के अंदर 8% कम होता जा रहा है तो इसका वैल्यू हमें निकालना है आफ्टर वन ईयर. फिर सुनिए, मैंने पहले भी बताया आपको जो पहला वाला अमाउंट होता है हमारे, हम जब बैंक से लोन लेते हैं जो पहला अमाउंट होता है दैट इज प्रिंसिपल. ठीक है, इसके बाद जो अमाउंट हम यहां से भरते थे इंटरेस्ट चढ़ के उसको हम बोलते थे दैट इज अमाउंट. दैट इज इनिशियल वाला जो है दैट इज अमाउंट प्रिंसिपल. फाइनल वाला जो हमें लास्ट पर भरते हैं दैट इज द अमाउंट. रेट हम देखते हैं कि रेट किस हिसाब से चढ़ती है. दैट इज दिस 8%. यहां भी मुझे आफ्टर वन ईयर देखना है. ठीक है, दैट मीन मुझे यहां क्या करना है, अमाउंट निकालना है. लेकिन अभी तक हम जो अमाउंट के लिए फार्मूला निकालते हैं दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r / 100 रेस्ट पावर n. ये फार्मूला है अमाउंट निकालने के लिए. ठीक है, लेकिन यहां जो अमाउंट हम बैंक से जब लोन निकालते थे वहां अमाउंट इंक्रीज होता था. अगर हम बैंक से लोन लेते थे ₹10,000 तो अमाउंट भरना पड़ता हमें 15,000. दैट इज इंक्रीज होता था. यहां लेकिन डिप्रिशिएटेड, यहां जो हर साल 8% इसका वैल्यू कम होता जा रहा है. लेकिन हमें इस स्कूटर का देखना है एक साल के बाद इसका वैल्यू क्या है. लेकिन वैल्यू क्या होता है, कम होता है तो कम अमाउंट जो है वो डाउन हो जाएगा. फार्मूला सेम रहेगी लेकिन जब इंक्रीज नहीं हो रहा है कीमत वो तो घटता है तो सिर्फ प्लस की जगह या माइनस के जरिए हम उसको निकाल सकते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 - r / 100. क्यों माइनस, क्या वैल्यू डिप्रिशिएटेड होता जा रहा है हर साल. ठीक है, तो ये मैंने पहले इसमें बताया कैसे हम करेंगे उसको. तो ये वाली फार्मूला इसमें लगाएंगे, अमाउंट दैट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 - क्यों, रेट घटता है r / 100 raised to power n. अब गिवन क्या है, प्रिंसिपल गिवन है इट इज 42,000. ठीक है, रेट जो है गिवन है इट इज 8%. टाइम गिवन है इट इज 1 ईयर. मुझे क्या निकालना है, अमाउंट. लेकिन अमाउंट के लिए फार्मूला कौन सी, अमाउंट के लिए फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 - r / 100 raised to power n. अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है प्रिंसिपल 1+, लेकिन वहां अमाउंट में इंटरेस्ट इनकी वाला तो कीमत बढ़ जाता है, यहां तो घट जाता है, तभी तो हम लिख रहे हैं 1-. अब पुट करेंगे वैल्यूज को, प्रिंसिपल इट इज 42,000 इंटू 1 फार्मूला का रेट इट इज 8% डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट पावर एन. ये 1 साल के लिए. ठीक है, और इट इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू 42,000. ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इट इज 100 ये माइनस है, यहां माइनस है यहां 8 - 8 / 100 raised to power n. हमने 1 नहीं लिखेंगे. इट कम्स इक्वल टू, हाँ ये क्या आएगा, 42,000. दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू 42,000. 100 - 8 इट इज 92 / 100. ओके, 2 zippers cut. ठीक है, अब क्या होगा, 4420 को मैं 92 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या निकलेगा, तो अमाउंट मुझे निकलेगा 20 = 0, 22 = 4, 24 = 8, 9 = 0, 9 = 18,
4 9 36 1, it is 37. 8 comes 0 4 8 8 16 7 8. So amount मुझे निकला 38,640. That means इसका value कम हो जब हुआ 8%. इसका value after one year सिक्योटर का वैल्यू इट इज 38,640. पहले क्या था वैल्यू इसका 42,000. वैल्यू घटा 8%. एक साल के बाद इसका वैल्यू रहेगा 38,640. आई होप यू हैव गॉट दिस. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.3. ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज. मुझे उम्मीद है आपने इन सब वीडियोज को देखा होगा. बहुत सारे वीडियोज हैं, कम से कम मुझे लग रहा है 20-25 वीडियोज इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज पर मैंने आपको दिए हैं. आप उनको बार बार देख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. इसके साथ ही आपका T1 सिलेबस इस मैथमेटिक्स के अंदर कंप्लीट हुआ है. तो मुझे उन वीडियोज को YouTube पर भी आप जाइए, उन वीडियोज को बार बार देखिए. तो बहुत सारी वीडियोज हैं इस मैथ्स के अंदर. Thank you very much.